तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई जाएगी कि सब इंस्पेक्टर को कितना वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों, जब लोग किसी भी चीज़ में आवेदन करते हो तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि इनके सैलरी के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हम आपके इसी सवाल का जवाब अपनी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी जानना चाहते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर को कितना वेतन दिया जाता है और इनके किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, जान लेते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी दी जाती है हर महीने। तो दोस्तों, वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। सब इंस्पेक्टर को शुरुआत में कुछ कम सैलरी मिल सकती है, परंतु थोड़े सालों के बाद उनकी सैलरी काफ़ी अधिक हो जाती है। यदि कोई सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होते हैं तो उनकी स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 32,000 से 35,000 रुपये तक हो सकती है, और यह अलग अलग राज्यों में थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकती है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि ऊपर हमने जैसे सैलरी बताई है वह ग्रैंड पे एवं बेसिक पे आदि जोड़कर बताई है। अब हम आपको कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद सब इंस्पेक्टर की दी जाने वाली सैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक सब इंस्पेक्टर को एक या दो सालों के एक्सपीरियंस के बाद उनकी सैलरी 50,000 से 60,000 रुपये मंथ में और उन्हें ज़्यादा हो सकती है। और भी यह सभी सैलरी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इनके सैलरी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमें उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर।